जब के चले। यहाँ पर एक बात का कहना बेहद जरूरी है जी, बिस्मिल्लाह, कि मीर अनीस ने जिस अहद में 19वीं सदी आँख खोली थी, ये तमल्लुक, खुशामत और बेजा तारीफ का अहद था अहले सरवत की। अगर आप अहले सरवत की तारीफ नहीं करेंगे, मायूस समझाए, बिल्कुल सही, तो आपको पजीराई नहीं मिली, नहीं मिलेगी। और ये भी जहन में रखिए कि अमीरों की अमारत में सारी बुराइयां ही नहीं होती, उनमें सारे कीड़े ही नहीं होते हैं, कुछ जर्रे गुल भी होते हैं। अमीरों की अमीरी में कुछ जर्रे गुल भी होता है। वो साहिबे सरवत होने के साथ इस वक़ार का एहतराम करते हैं कि वो अहले अदब को अपने करीब करते हैं अपनी दौलत के ज़रिए, और कहीं कहीं वो सच्ची गुर्बत होती है और कहीं कहीं मसलहत की गुर्बत पैदा की हुई होती है। मीर अनीस इन दोनों के शिकार नहीं हुए। वाह वाह, कमाल कमाल, बहुत इंफ़िराद। अमजद अली शाह जी, बादशाह अवध, उनके साहबजादे वाजिद अली शाह, यह उनका अहद है, वाजिद अली शाह का ज़्यादा है। कहते हैं किसी ने कहा कि आप जिस तरह ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं, होता ये था कि एक चौकोर हाल जी, चौकोर दालान बना होता था, जिसे आजकल हाल कहते हैं, दीवान। अच्छा, उसके इर्द गिर्द शहनशीन बनाई जाती थी, यानी बरामदा नुमा ऊपर शक्लें चौगोशा होती थी, वहाँ उमरा बैठा करते थे, नवाबीनों सलातीनों और उनकी बेगमात या जो भी बैठे, वो नीचे नहीं होते थे। तो जब शायर शेर पढ़ता था तो एक आध शेर मदहा में, चूँकि उसे पता होता था वो उनके लिए शाह जी, अमीर नवाब, अमीर साहिब सरवत मौजूद है, साहिब मामला मौजूद, तो किसी ने मीर अनीस से भी ये कहा कि शाह तशरीफ़ फरमा है कुछ, तो मीर अनीस का ये, तो उन्होंने कभी किसी की खुशामद नहीं की, तमल्लुक में नहीं आए। मैं बताऊंगा कि हैदराबाद दक्कन में भी उन्होंने जी बिल्कुल जाकर, और इलाहाबाद में भी अपना उसूल बरकरार रखा, अपनी फजा को नीचे नहीं हटे। किसी ने कहा कि हुजूर तशरीफ फरमा है, उनके लिए भी कहा, गैर की मदह करूं, हाय हाय, वाह वाह वाह, शाह का सना खां हाँ हो कर, वाह वाह, गैर की मदह करूं, शाह का सना खां हो कर, मुजरई अपनी हवा खोऊं सुलेमान, हाय हाय, मैं तो सुलेमान वक्त हूं, सुभान अल्लाह, हुसैन इब्ने अली का जाकिर हूं, मैं शाह जमा की तारीफ करूं, शाह जमा जिनको अब अपने आप को ये कहते हुए मैं कि खाके पाए हुसैन हूँ, मैं उनकी तारीफ हुसैन की तारीफ के दरमियान ला के करूँ, गैर की मदह करूँ, मेरे लिए सब गैर हैं, मैं नहीं कर सकता, मुजरई अपनी हवा, ऐ कहने वाले सलामी, मुजरई ऐ मुझे बताने वाले, सलामी करने वाले, सलामी का पैगाम देने वाले, मुजरई ऐ झुकने वाले, मुजरई अपनी हवा खूं, सुलेमान हो, मैं तो सुलेमान है वक्त हूँ, अदब का जी, मैं हुसैन इब्ने अली का, कहाँ शाह, कहाँ मेरा ममदू हुसैन, गैर की मदह करूँ, ये मुझसे मुमकिन। सुभान अल्लाह, ये जो सूरत हाल है कि वो खुशामत, बेजा तारीफ और मसलहत पसंदी का शिकार नहीं हुए, कभी कभी नहीं हुए, और यही सबब था कि मीर अनीस की बारगाह में उमरा अपने वक्त के हाजिर बाश रहते थे। हालांकि तरीका ये है कि शायर हाजिर बाश हो उमरा का, लेकिन उमरा हाजिर बाश बहुत हो, बहुत हो। ये तमाम सूरत हाल ऐसी है कि तब पैदा होती है कि जब आदमी में ज़मीर की बेदारी का
यकीन होने लगे, बहुत उसका ज़मीर बेदार, ज़मीर की बेदारी बहुत। मेरे नीस हमारे उन शायरों में हैं जो बेदार ज़मीर थे, बेदार ज़मीर शायर थे, और उन्होंने कभी कोई ऐसी तारीफ व सना नहीं की, मदा नहीं की जो गैर के इस तरह खाते में चली जाए कि जिस पर लोग ये कहें कि तुम तारीफ करने वाले उस आसमान के थे, ज़मीन पे कैसे आ गए हो। चुनाचे आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ ये ख्याल है, मीर अनीस ने इस ख्याल को ख़ुद भी महसूस किया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। चुनाचे अपनी मुख्तलिफ़ कैफियात में एक जगह वो कहते हैं कि तू ए हाकिम वक्त, असल में वो खुद बोल रहे हैं, उनके किरदार नहीं बोल रहे हैं, मर्सिये में वो खुद बोल रहे हैं, क्या कमाल है, क्या कमाल, उनके किरदार नहीं बोल रहे हैं। एक जगह हमारे साथ फिर से कहता है कि क्या किसी हूर का दिखला दिया हजरत ने जमाल, मिल गया साया तूबा की जो इतना है निहाल, कसरे याकूत में जा मिल गई जो रंग है लाल, कौन से में वह शीरी पे टपकती है राल। वाह क्या इशारे और क्या तस्वीर, वाह 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 वाह। दफतन हक नमक को भी फरामोश किया, क्या तुझे बादए तस्नीम ने बेहोश किया। बादए तस्नीम, वाह। मीर अनीस खुद हैं स्पीकर में जी, हुर के मुकालमे में जो हुर जवाब दे रहा है। वाह बिल्कुल वाह। बाग जो मुझको दिखाया उसे क्या देखेगा तू, हाय राहते रूह है उस बाग के हर फूल की बू, राहते रूह मुझको अल्लाह ने बख्शी है वो भूरे खुशरू कि जिन्हें तेरे फरिश्तों ने न देखा हो कभू, नाम कौसर के न ले तू मुझे जोश आता है इन्हीं छींटों से तो बेहोश को होश आता है। वाह वाह वाह। ये जो मीर अनीस का अंदाज था किरदारों के अंदर जी, वो असल में उनकी जुरत ईमानी है, ये बड़ा नया पहलू है जो मैंने वहां से उठाया है कि हर किरदार के अंदर जो वलवला है गैरत का, हर किरदार में उनके जो मुस्बत किरदार हैं, हीरो किरदार हैं, अच्छे किरदार हैं, मुस्तहसन किरदार हैं, उनमें जो वकार है आदमियत का, जो मतानत है इंसानियत की, जो संजीदगी और वकार है समाजी, वो असल में मीर अनीस का अपना शऊर है। बहुत ये बहुत कम देखा गया कि अभी जैसा आपने फरमाया शायद अब्बास कि हज़ारों अशार एक शख्स कहता है लेकिन किसी एक शेर में आप उसकी कोताही और गिरफ्त की तरफ चले आइए जी, ख्याल की जी, इल्म की जी, इजहार की, इजहार की, समाज की जी, मजहब की सर, हर एतबार से वो चाक चौबंद नजर आता है। हजारों शेर कहने के बावजूद भी जी, वो पकड़ में नहीं आता। ओ, क्या कमाल है, वाह वाह वाह। और कमाल सुखा जिस पुलसरात से गुजरा है उसका जो पुल है जी, इतना सिरात है यानी इतना बारीक और नाजुक है जी, इतना नर्म और इतना सब्र आजमा है कि उसमें जरा सी लग्जिश गुना बन सकती है। वाह वाह, जिस एहतियात से वो चले, इतना नाजुक मामला, वाह जरा सी गलती, और न सिर्फ ये कि वो गुनाह बन सकती है बल्कि वो समाजी खता भी करार पाएगी अगर आपने कोई ऐसी बदएहतियाती कर दी जो समाज कबूल न करे जी। चुनाचे अब वो दुआ देते हैं जनाब ज़ैनब की ज़बान से दुआ देते हैं, जनाब इमाम हुसैन के परेशान हाली के मंजर में जनाब ज़ैनब के लफ्ज़ों को बयान करते हैं और जनाब शहरबानों का जिक्र करते हैं कि अल्लाह उन्हें आबाद व शाद रखे, ये मफहूम है उसका। तो क्या दुआ दी है जो तरन्नुम व तगज़ल को छोड़कर उस पैराए में देखनी चाहिए जी, जो पैराया
खुद उर्दू शायरी का अपना रिवायती पैराया है। दुआ औरतों को औरतें किस तरह देती हैं, जनाब ज़ैनब, जनाब शेरबानो की, संदल से मांग, वाह वाह क्या, बच्चों से गोदी भरी रहे, भरी रहे, वाह वाह वाह, संदल से मांग, बच्चों से गोदी भरी रहे, गोदी भरी रहे, किसकी गोदी भरी रहे, जनाब शेरबानो के हवाले से, बानुए नेक नाम की खेती हरी हरी रहे, वाह क्या दुआयां दास, बानुए नेक नाम की खेती हरी रहे, संदल से मांग, बच्चों से गोदी भरी रहे। तो ये जो अलमिये की कैफियत हैं, रंज की, कत्लगाह का मंजर है ये, कत्लगाह का मंजर है, और इस कैफियत का मंजर है कि जिसमें बदन संभाले नहीं संभल रहा है, आए हाय आए हाय, वाह वाह, जनाब ज़ैनब का ये वो मंजर है, प्यारे न थे हुसैन अलैहिस्सलाम के, वाह प्यारे न थे हुसैन अलैहिस्सलाम के, लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के, आए हाय वाह वाह, लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के, थर्रा रहे थे पांव शहे तशना काम के, सर दोष पर था ज़ैनब आली मकाम के, फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए, हम ऐसे सख्त जहाँ थे कि अब तक न मर गए। अल्लाह, ये वो कैफियत हैं जिसमें ये दुआएं दी जा रही। वाह वाह, तो मीर अनीस का ये पैराहन जो उन्होंने तैयार किया है उर्दू शायरी के लिए, वो एक ऐसा मिसाली पैराहन है कि अगर गज़ल का कोई आशना गज़ल के साथ नस्बत ख़ास रखने वाला, गज़ल पसंद जी, नज़म से नस्बत करने वाला, नज़म का कहाँ जी, वाह वाह वाह, इल्म बयान की ख्वाहिशों पर मर मिटने वाला ख्वाही जी, वाह वाह, कोई भी तलबगार हो, हर शख्स का सामान ग़िज़ा इस दस्तरखान नेमत पर मौजूद है। क्या नए रुख बताए थे कि सुभान अल्लाह।